रियल तेरा मेरा साथ रहे में बढ़ेगी सक्षम और राधिका की नजदीकियां। जी हाँ दोस्तों, सक्षम को राधिका यानी कि उसे पता नहीं कि गोपिका ही है और वो बार बार उससे मिलता जरूर है, लेकिन उसे पता है कि शायद राधिका कंफर्टेबल नहीं है और अपनी पहचान छुपाने के लिए ही वो अपना चेहरा ढक कर आती है, इसीलिए वो खुद ही अपनी आंखों को पर पट्टी बांध कर रखता है। और ऐसी कई मुलाकातें होगी तो दूसरी तरफ आशिक को तो पता चल ही चुका है कि राधिका कोई और नहीं गोपिका है और उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और उसे भी गलतफहमी हो गई है कि गोपिका कुछ और ही बनकर जाती है, मेकओवर करके जाती है और किसी लड़के से उसका चक्कर चल रहा है, और इसी बात को लेकर घर में हंगामा भी होता है। लेकिन यहाँ पर बा उसे मना लेती है, बा उसे समझा लेती है और घर वालों के सामने सच्चाई नहीं आने देती कि गोपिका राधिका बनकर कहीं मतलब कि कुछ मेकओवर करके जा रही है। और बेचारी आसी यहाँ पर सच्चाई जानने की काफी कोशिशें करते नजर आएगी, लेकिन इतनी आसानी से इस बार सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो दूसरी तरफ सक्षम को धीरे धीरे इन मुलाकातों से राधिका से प्यार होने लगेगा और उसकी पॉजिटिविटी और उसकी बातें उसको और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सक्षम डिमांड रखेगा कि वो उसका चेहरा देखना चाहता है, और ये सुनकर गोपिका के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर सक्षम को धीरे धीरे राधिका पसंद आने लगी है, उसकी बातें भी और वो भी। तो यहाँ पर सक्षम को कहीं ना कहीं राधिका से ही प्यार होने लगेगा। तो देखने को मिलने वाला है कि दूसरी तरफ यहाँ पर आशी जब सच्चाई सामने लेकर आएगी तो सक्षम के होश उड़ जाएंगे कि गोपिका ही राधिका है। लेकिन तब तक गोपिका की सारी अच्छाइयां सब कुछ सक्षम के सामने आ चुकी होगी और यही वजह बनेगी सक्षम उससे माफी मांगेगा, और उसके बाद ने थोड़ा सा टाइम लगेगा जब वो अपने दिल की बात कहेगा।